नमस्कार बालक, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और बेसिकली आज हम करने वाले हैं कि बेसिकली कई बार होता है कि आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपका जो है सो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल जो है सो उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे कि मेरे केस में हमको एक स्क्रिप्ट रन करना है, ब्लैक वाइपर स्क्रिप्ट। तो इसको जैसे ही ओपन करते हैं, इसको जैसे कि देख सकते हैं रन एडमिनिस्ट्रेटर किए तो आ गया कि स्मार्ट स्क्रीन कैंट बी रीच एट द मोमेंट, अरे चेक योर। फिर भी रन पे क्लिक किए तो अभी रन कर रहा है, लेकिन जब इंटरनेट कनेक्शन होता है। अभी हम आपको दिखा देते हैं, एक मिनट वेट करिए। चलिए तो फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से रन करके देखते हैं ब्लॉक करता है या नहीं। अभी ब्लॉक नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो कभी कभी ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है, अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉक कर रहा था लेकिन इंटरनेट कनेक्शन हटा दिए तो ये जो है सो ब्लॉक नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपका ब्लॉक कर रहा है तो यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिफेंडर का लोगो होगा उस पर क्लिक कीजिए, डिफेंडर खुल जाएगा। या फिर आप सेटिंग में जाके भी खोल सकते हैं। उसके बाद ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल पर जाइए, यहाँ पे चेक फाइल एंड ऐप्स है ना, तो इस सब को ऑफ कर दीजिए, सब को कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए ऑफ नहीं करना है, कुछ देर के लिए सब को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये वीडियो छोटा था, इतना ही बताना था। तो ऐसे में ऑफ हो जाता है, कभी कभी ब्लॉक कर देता है, इसलिए बता दें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।